डायबिटीज के रोगियों को अपने खाने पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। अगर वे कुछ गलत खान पान कर लेते हैं तो उनका ब्लड शुगर बढ़ सकता है। यह हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर सुबह के खाने से उनके ब्लड शुगर पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए डायबिटीज के रोगियों को सुबह कुछ ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जो उनके ब्लड शुगर को बढ़ा सकती है। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो सुबह खाली पेट खाने से डायबिटीज को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने में सहायक हो सकती है। आइए आज हम इस वीडियो के जरिए आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानकारी दें जो सुबह खाली पेट खाने से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। पपीता। डायबिटीज के रोगियों को सुबह खाली पेट पपीता खाने का सुझाव दिया जाता है। इसमें फाइबर की अधिक मात्रा होती है जो ब्लड शुगर को बैलेंस रखने में सहायक होती है। इससे शुगर को बढ़ने से रोका जा सकता है जो डायबिटीज को मैनेज करने में मदद करता है। इसके साथ ही यह पाचन को भी हेल्दी रखने में मदद करता है जिससे एसिडिटी की समस्या से राहत मिलती है। मूंग दाल। डायबिटीज के रोगियों के लिए मूंग दाल खाना लाभदायक हो सकता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह वजन को कम करने में भी सहायक होता है। आप सुबह इसे खाली पेट या नाश्ते में मूंग दाल के स्प्राउट या चीला के रूप में खा सकते हैं। दालचीनी का पानी। डायबिटीज रोगियों को सुबह खाली पेट दालचीनी का पानी पीने की सलाह दी जाती है। इसके लिए रात को सोने से पहले एक ग्लास पानी में दालचीनी का छोटा टुकड़ा भिगोकर रख दें। अगले दिन सुबह इस पानी को खाली पेट पी लें। इसके नियमित सेवन से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ड्राई फ्रूट। डायबिटीज के रोगियों के लिए सुबह खाली पेट भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आप बादाम, अखरोट, किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स को रात को पानी में भिगोकर रख सकते हैं और अगले दिन सुबह उन्हें खाली पेट खाने में शामिल कर सकते हैं। इन ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सहायक हो सकते हैं और पाचन को भी हेल्दी रख सकते हैं। अंकुरित मेथी। डायबिटीज के रोगियों के लिए सुबह खाली पेट अंकुरित मेथी का सेवन लाभदायक हो सकता है। इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा यह पाचन को भी सुधारता है जिससे डायबिटीज से पीड़ित लोगों में एसिडिटी की समस्या से आराम मिलता है।